हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। तो बच्चों, फटाफट से आज रजिस्टर निकालना है और न्यू हेडिंग डालनी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 6, सीक्वेंस एंड सीरीज़। और उस चैप्टर का हमने एक पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों पूरा पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले हम रजिस्टर के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कुछ बातें अपने साथ लिखेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब बच्चों होता है कुछ इस प्रकार की सीरीज, 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, डैश डैश डैश। इस प्रकार की सीरीज में क्या होता है कि जब हम किसी भी एक टर्म को आगे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं तो वो सेम ही रेशियो आता है जो आगे भी आता है, जो आगे भी आता है, यानी कि इसमें एक कॉमन रेशियो चल रहा होता है। इस प्रकार की सीरीज़ को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी सीरीज़ बोलते हैं। तो इसकी कुछ बातें हमें लिखनी है। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट टर्म। बच्चों, इस तरह की सीरीज़ की जो पहली टर्म होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है, उसको हम बोलेंगे ए, जो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में भी बोला था, उसको हम संबोधित करेंगे ए के नाम से। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इसमें होता है कॉमन रेशियो, जिसको हम संबोधित करेंगे आर के नाम से। और आर का मतलब, या कॉमन रेशियो का मतलब ये होता है कि आप इस सीरीज़ की कोई भी टर्म ले लो, कोई भी टर्म उठा लो और उसको डिवाइड कर दो पिछली टर्म से, प्रीसीडिंग टर्म से, तो उसको बोलते हैं आर या कॉमन रेशियो। यानी कि उदाहरण के तौर पर, जैसे आपने कोई टर्म ली 16, तो आप उसको भाग दे दो उससे पिछली टर्म से, उससे पिछली टर्म है 8, तो 16/8 यानी कि 2। या इसी प्रकार आपने टर्म ली 8, तो उसको भाग दे दो उससे पिछली टर्म से यानी कि 4, तो भी रेशियो आएगा 2। तो कॉमन रेशियो का मतलब है कि जब हम किसी भी टर्म को डिवाइड करेंगे उससे पिछली टर्म से तो एक कॉमन रेशियो आ जाता है। और यही पहचान भी होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज की। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज लेट 3 नंबर्स इन जीपी एज, अगर कभी जीपी में हमें 3 नंबर सेलेक्ट करने पड़े या लेट करने पड़े तो हम 3 नंबर कैसे लेट करेंगे। ए अपॉन आर, कॉमा ए और ए आर। तो हम 3 नंबरों को जीपी में अगर हमें सेलेक्ट करना पड़े या मतलब एज्यूम करना पड़े तो हम इस प्रकार से उसको एज्यूम करेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, अगर 3 टर्म्स ए बी और सी जीपी में हैं, आर इन जीपी, देन बी इज द ज्योमेट्रिक मीन जीएम ऑफ A and C, then B is the geometric mean of A and C। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। इसके नीचे लिखना है आपको B square is equal to AC और इसको ब्लॉक बना लेना है। तो कभी भी GP के अंदर वो अगर 3 नंबर देता है, मान लेते हैं हम अपनी ही GP सीरीज ले लेते हैं और कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं, 4, 8, 16, तो डेमो के तौर पर मान लेते हैं 4, 8 और 16, ये 3 नंबर्स जो हैं ये एक जीपी सीरीज में नंबर हैं। तो जो बीच वाला नंबर है यानी कि बी, बीच वाले नंबर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, जो इसके बाजू के 2 हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो ये चेक कर लेते हैं बच्चों, 8 का स्क्वायर आपको पता ही है और 4 × 16 = 64, तो इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यानी बीच वाला जो है
वो ज्योमेट्रिक मीन है बाजू के दोनों का, तो ये मतलब है हमारे इस पॉइंट का, ठीक है ना, पॉइंट नंबर फोर। इसके बाद पॉइंट नंबर फाइव, सम ऑफ जीपी सीरीज का सम, सम ऑफ जीपी सीरीज, कि भाई हमें अब जीपी सीरीज को जोड़ना है, तो इसमें लिखना है सम का फॉर्मूला इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन होल डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, और इसी के नीचे दूसरा लिखना है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं सम के। पहला फॉर्मूला कब लगाना है, पहला फॉर्मूला तब लगाना है जब आर की वैल्यू लेस देन वन हो, और दूसरा फॉर्मूला तब लगाना है जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो। ठीक है सर, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये फार्मूला, अगर r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये फार्मूला, r की वैल्यू 1 होगी नहीं, देगा नहीं। उसके बाद इसी में नीचे लिखना है, इसी पॉइंट का भाग है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का मतलब बच्चों होता है कि जैसे हमने अपनी इस एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें, एक ही एग्ज़ाम्पल एक बार करके देखते हैं। मान लेते हैं हमने ये एक जी पी सीरीज ले रखी है, 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है ना। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टर्म्स हैं। तो हमें ये तो पता चल गया n हो गया 5। फिर इसकी पहली टर्म है 2, तो हमें ये भी पता चल गया a है 2। और कॉमन रेशियो हमने सीख ही लिया था कि किसी भी टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड कर लेते हैं, तो कॉमन रेशियो भी हमने निकाल लिया था 2। अब क्योंकि r की वैल्यू 2 है, तो क्योंकि r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हम ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं। ठीक है, तो इधर मैं डेमो दिखा देता हूँ आपको। इधर तो a यानी कि 2 इंटू आर, आर यानी कि 2 की पावर n यानी कि 5 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय r यानी कि 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 2 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 जो है वो कितना होगा, 32 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू, 32 माइनस 1 हो गया 31, 2 इंटू 31 तो 2 इंटू 31 हो जाएगा 62। तो इसका मतलब जब मैं इन पांचों को जोड़ूंगा तो इन पांचों को जोड़कर 62 आना चाहिए। तो एक बार देखते हैं कि इन पांचों को जोड़कर 2 + 4 + 8 + 16 + 32, तो देखो 62 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जी पी सीरीज़ का हमें सम निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी जी पी सीरीज़ होती है इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट मतलब इसमें तो पता था 5 नंबर हैं, अब मैं अगर बोल दूं बच्चों ये करते रहो 32 के बाद 64, 64 के बाद 128, करते रहो इन्फिनिटी तक, तो अब तो आपको पता ही नहीं है, अब तो आपको पता ही नहीं है कि भाई कितने टर्म्स हैं। मैं पूछ रहा हूँ बच्चों बताओ कितने टर्म्स हैं, आप कह रहे हो नहीं सर हमें नहीं पता, बस करते रहो जोड़ते रहो, ये तो चलता रहेगा, जोड़ते रहो इन्फिनिटी तक। तो ये मतलब है इनफाइनाइट सीरीज़ का। तो सर फिर क्या फॉर्मूला होगा, तो फिर बहुत ही छोटा फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट सीरीज़ में a अपॉन 1 माइनस आर, फिर इस फॉर्मूले का हम उपयोग कर लेंगे, ठीक है ना। चलो उसके बाद पॉइंट नंबर 6, अदर फॉर्मूलेज, कुछ और मिसलिनियस फॉर्मूले हैं। तो नंबर 1, छोटा सा फॉर्मूला इसमें, नंबर 1, तो पहला लिखना है इफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर आर इन ए पी, अगर ये तीन टर्म्स ए पी में हैं
एंड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन जी पी, और ये तीन टर्म्स अगर मान लेते हैं जी पी में है, मतलब डेमो के लिए, ऐसे ही उदाहरण के तौर पर डेमो के लिए मान लो बच्चों लिखा है वन प्लस लगा लो चलो फाइव प्लस नाइन, तो ये तीन टर्म्स एपी में है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और तीन टर्म्स मान लो मैं लिख लेता हूँ दो चार आठ, ये तीन टर्म्स जीपी में है, तो क्या होता है इसका डेरिवेशन नहीं आएगा बच्चों, हम एमसीक्यू वाला सिलेबस पढ़ रहे हैं, इसमें ये नहीं आएगा डिराइव करो, देन बस याद रखना है, तो क्या होगा देन एक्स की पावर क्यू माइनस आर इंटू वाई की पावर आर माइनस पी इंटू जेड की पावर पी माइनस क्यू, ये वन के बराबर होगा बॉक्स, ठीक है, बस याद रखना है, इसको डिराइव नहीं करना, ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। हाँ, डेमो के लिए करके दिखा देता हूँ, तो हमारे डेमो के हिसाब से ये है एक्स यानी टू, हमारे डेमो के हिसाब से ये है क्यू फाइव, डेमो के हिसाब से ये है आर माइनस नाइन, इनटू ये है वाई, उसके बाद ये है आर, ये है पी, इनटू ये है जेड, ये है पी, ये है क्यू, तो ये वन के बराबर आना चाहिए, ऐसा कह रही है प्रॉपर्टी, तो ये कहना चाह रही है, तो सर एक बार बताओ तो सर कि आ भी रही है या नहीं, तो कर लेते हैं बच्चों, तो 2 की पावर माइनस 4 एज इट इज छोड़ दो, 4 की पावर 8 को 2 की पावर 16 लिख लूं क्या, हाँ सर लिख लो, और 8 हो गया 2 की पावर 3, तो ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 4 12 यानी माइनस 12। तो अब इंडाइसिस में आपने पढ़ रखा है ना कि इसको हम क्या मान लेंगे कि 2 की पावर माइनस 4 प्लस 16 प्लस मतलब माइनस 12, पावर्स जुड़ जाएंगी, माइनस 4 16 और माइनस 12 जुड़ जाएगा पावर में, तो ये बन गया 2 की पावर माइनस 4 और 16 और माइनस 12 0, 2 की पावर 0 तो 1 आ गया, है ना, तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है सर। सेकंड, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, इफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन जी पी, अगर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो है वो जी पी में हो, और एक्स की पावर पी बराबर है वाई की पावर क्यू बराबर है Z की पावर R के, मान लो, ठीक है ना, अगर ये बराबर हैं तो देन, तो याद है किसी को कि क्या होगा, देन 1 by P कॉमा 1 by Q कॉमा 1 by R आर इन ए पी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे ये, तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है, तो मतलब डेमो के तौर पर ऐसी बताने के तौर पर कि मान लो एक्स वाई जेड यानी वही 2, 4 और 8 ये मान लो जी पी में है, ठीक है ना, ये जी पी में है, और एक्स की पावर पी, तो मतलब अब 2 की पावर कुछ भी p, अब मुझे ऐसे तो नहीं पता, वो मान लो बराबर है y की पावर q यानी 4 की पावर q के, और वो अगर बराबर है z यानी 8 की पावर r के, तो अगर वो ये बराबर हैं तो वो बराबर कब होंगी, एक बार लगाते हैं हिसाब, 2 की पावर 2q 2 की पावर 3r, तो ये बराबर तब होंगे, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, तो इसका मतलब P जो है 2Q के बराबर है 3R के बराबर है,
तो वो ये कह रहा है 1/p बाय 1/q बाय 1/r आर इन ए पी। तो इसका मतलब मान लो, लेट कर लो कि ये तीनों बराबर हैं के के, तो p तो हो गया 1k, q हो गया 1/2k और r हो गया 1/3k। ये वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करके देखता हूँ, तो 1/p, 1/q, 1/r कि क्या ये एपी में बनेगा, तो 1/k तो 1k ही हो गया, ये हो गया 2k, 2 ऊपर पहुंच गया, ये हो गया 3k। तो क्या ये तीन नंबर एपी में है? हाँ एपी में है, 1 2 3। तो बस ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, ठीक है बच्चों? तो हमको कोई वहाँ पे डिराइव करके नहीं दिखाना कि देखो एग्जामिनर हमें आता है, बस आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी कि इफ़ एक्स वाई जेड आर इन जी पी और एक्स की पावर पी बराबर है वाई की पावर क्यू बराबर है जेड की पावर आर के, देन 1/p, 1/q, 1/r जो हैं वो भी ए पी में होंगे। और इसके बाद एक और मिसलिनियस फार्मूला नंबर 3। मिसलिनियस फार्मूला नंबर 3 है, इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी आर रेस्पेक्टिवली पीएथ कॉमा क्यूएथ कॉमा आरथ टर्म ऑफ ए पी तो इसका मतलब सर बताओ, इसका मतलब क्या? अगर ए जो है वो पीएथ टर्म है, बी जो है वो क्यूएथ टर्म है, सी जो है वो आरथ टर्म है किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, देन ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, तो ये किसके बराबर होगा? जीरो। तो ये जीरो के बराबर होगा, ठीक है ना? ये याद रखने। अब इसका डेमो देना बच्चों मुश्किल है, क्योंकि ये मनगढ़ंत फिगर ऐसी बना के सोच के मैं लिखूं फिर उसको सॉल्व करूं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसका अगर डेमो करना है तो आप खुद से स्वयं करिएगा। हाँ गारंटी मेरी ये है कि सॉल्व करके आएगा जीरो ही, ऑलवेज, चाहे कुछ भी वैल्यूज लें, ठीक है ना? तो बस अपने को ये याद रखना है फिलहाल कि ये फॉर्मूला है मिसलिनियस, तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर ऐसा है तो इन तीनों को जोड़कर सॉल्व करके जीरो ही आएगा। तो बस बच्चे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो बातें हैं वो रेलिवेंट यही हैं, ठीक है ना? तो आज की तो बस एक छोटी सी कॉन्सेप्चुअल वीडियो थी जिसके अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लिखना था। अब आप अपनी कोशिश करने के लिए क्या करेंगे, आप एक्सरसाइज 6B सिर्फ इसके क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। इसमें टोटल 24 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? मैं नेक्स्ट वीडियो आप तब प्ले करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं 1 से क्वेश्चन इसके डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो नेक्स्ट वीडियो आप तब प्ले करना जब आप एक बार एटलीस्ट खुद से थोड़ा ट्राई कर चुके हो। अगर बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आए कोई बात नहीं तो छोड़ देना, लेकिन एक बार कोशिश ज़रूर करके देखना। फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर आप तब प्ले करना जब आपने थोड़ी सी कोशिश कर ली। ओके बच्चों।